क्या इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं। आज प्रदेश और नीमच जिले में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। अगर नहीं तो फिर क्यों छुट भैया नेता हो या रसूखदार जिले के अधिकारियों के चेंबर में घंटों बैठकर अपने काम भी करा लेते हैं। परंतु आज एक गरीब बुजुर्ग महिला को जो कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाने आई थी अपने बेटे के साथ, कलेक्टर कार्यालय में उसे बुखार के चलते ज़मीन पर गिर पड़ी और उसका गरीब बेटा भी गुहार लगा रहा था, परंतु बेशर्म और अमानवीयता का घिनौना चेहरा कलेक्टर कार्यालय नीमच में देखने को मिला। बुजुर्ग महिला बुखार में पड़ी रही, अधिकारी कर्मचारी उसे देखकर निकलते रहे, कोई तो उसे बाहर करता रहा, पर किसी ने उसे ये जरूरत नहीं समझी कि उस बुजुर्ग महिला की परेशानी पीड़ा क्या है। मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे और उस बुजुर्ग महिला के बेटे से पूछा मामला क्या है। उस बेटे ने अवगत कराया। मीडिया कर्मी जब खुद ऑटो लेने बाहर पहुँचे तो कलेक्टर कार्यालय गेट के बाहर प्रदेश की सेवा डायल 100 भी खड़ी थी। जब मीडिया कर्मी ने उसे बुजुर्ग महिला को जिला चिकित्सालय छोड़ने का आग्रह किया तो डायल 100 का ड्राइवर कलेक्टर कार्यालय के बाहर दाढ़ी और कटिंग बनवा रहा था। वो डायल 100 पर उनके वहाँ पर हेड साहब फ़ोन पर बात कर रहे थे। ये डायल 100 केंट थाने नीमच की थी। मीडिया को देख डायल 100 के ड्राइवर अधूरी दाढ़ी कटिंग छोड़कर मुंह छुपाने लगे। यह प्रदेश की डायल 100 की व्यवस्था है, आखिर इसी व्यवस्था पर शर्म आती है। यह सवाल खड़ा होता है कि कलेक्टर कार्यालय के बाहर आखिर कैसे दाढ़ी कटिंग बनती है और डायल 100 के कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर दाढ़ी कटिंग बनवाने में उनका क्या हित छुपा हुआ है। खैर छोड़ो, और भी शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि उस बुजुर्ग महिला को कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर छोड़ दिया गया। जिम्मेदारों ने तो अमानवीयता का परिचय देते हुए आज इंसानियत को भी लहूलुहान कर दिया। मीडिया कर्मी ने ऑटो बुलवाया और बुजुर्ग महिला को जिला चिकित्सालय उसके बेटे के साथ पहुंचाया। बस से बदतर कलेक्टर कार्यालय नीमच में लगता है कि गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो यहाँ पर छुट भैया नेता इस कार्यालय में आए दिन अधिकारियों के चेंबर की शोभा बढ़ाते नजर आते हैं और अधिकारियों से घनिष्ठ संपर्क में बने रहते हैं, परंतु कलेक्टर कार्यालय नीमच में अमानवीयता का क्रूर चेहरा आज बहुत कुछ उजागर कर गया। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ बुखार आ गया तो यहाँ आप क्या ले जाने के लिए बोला किसी को आपने? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ले जाने के, लेकिन पढ़ रही तो फिर नहीं ले। तो ऑटो में नहीं ले जा रहे थे क्या आप? जा रहे तो नहीं है। मेरी मम्मी क्या हो गया इनको? बुखार आ गया है। बुखार आ गया तो ले क्यों नहीं जा रहा? जा रहे लेन, लेकिन उठे जब ना तो कुछ Yeah,